होता है। जैसे मैं समझता हूं हिंदुस्तान के देशों में ये सब लोग जानते हैं कि सिखों के जो रिलीजियस राइट्स क्या हैं, क्या क्या चीज वो पहन सकते हैं, जो हमारे ककार होते हैं कड़ा कंगा कृपान वगैरह वो चीजें, इवन के जो डोमेस्टिक फ्लैट्स हैं उनमें भी अलाउ की गई है, एग्जामिनेशन सेंटर्स में भी अलाउ किया गया है। कई बार कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई, फिर दिल्ली सिख द्वारा मैनेजमेंट कमेटी 2018 में हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट में भी कहा, वहां की रिक्रूटिंग एजेंसी को दिल्ली को फटकार लगाई कि ये सिखों के आर्टिकल ऑफ फेथ है, आप इन्हें रिमूव नहीं कर सकते। तो उन्होंने इस बार भी जो कंपिटेटिव एग्जाम हुए, नेट की वेबसाइट पर भी लिखा गया है कि ड्रेस कोड क्या है, उन्होंने उसमें क्लियर किया कि सिखों का जो ड्रेस कोड है वो कड़ा और कृपाण पहन के जा सकते हैं, हर कंपिटेटिव एग्जाम अपनी वेबसाइट पर लिखता है। उसके बावजूद जम्मू में पहले हुआ, नागपुरी स्कूल में मानता हर सिंह जो स्कूल है वहां पर नागपुरी स्कूल में बच्ची का कड़ा उतारा गया। उसके बाद मीरा साहब में केंद्रीय विद्यालय मीरा साहब जो बीएसएफ कैंप के अंदर है वहां पर तो इस पर इंतहा होगी, ऐसी चीज शायद मुगलों के तौर पर भी ना हुई हो जो इस पर हमारी अपनी सरकारों ने हमारे को थोप दी। उस स्कूल में बच्ची को कहा गया कड़ा उतारो, उसने कहा मैडम मैं सिख बच्ची हूं, कड़ा मार लिए मैंडेटरी है, मैं नहीं उतार सकती। उसने कहा उसके बिना आपको एग्जामिनेशन सेंटर के, 5 मई की बात है जब नीट का एग्जाम था, मैं एग्जामिनेशन सेंटर में आपको अलाउ नहीं करूंगी जब तक आप कड़ा रूप नहीं करोगे। कड़ा बड़ा पतला था, वो 5-7 साल पहले डाला होगा, बच्ची की ग्रोथ होगी, कड़ा टाइट हो गया, निकल नहीं रहा था, तो उसको कहा गया ये निकालना ही निकालना है, बच्ची की एक स्टिच लगे थे फिकर में, फिर उसको कहा गया आधा घंटा लग गया, बच्ची भी कहीं ना कहीं ह्यूमिलेशन फील करने लगी और डिप्रेस भी होने लगी कि मेरा एग्जाम है, मुझे टेंशन कर दी गई। उन्होंने कहा जी जैसे मर्जी करो अंदर जाओ, कोशिश करो इसको काटो। तो स्कूल के अंदर कोई स्टाफ लड़का बैठा था, एक शख्स उसने उसकी मदद की, एक पंच मशीन ली, उस पंच मशीन कड़ा उसमें डाल के उसको दबा के थोड़ा क्रैक दर्द हुआ, उसके बाद उसको तोड़ा गया। ऐसी बेशर्मी की हद आज तक नहीं हुई थी, ये जो अभी शुरू होने लगा है, और इस चीज के लिए हमने संज्ञान लिया। वो परवान गानीगर कहा, उसके पेरेंट्स पुंछ में थे जब वो आए, फिर हमने ये एफआईआर नंबर 142 ये स्वारी पुलिस स्टेशन में लगी। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एसपी साहब श्री अजय जी का कि जब पहले उनको इस चीजों के बारे में कुछ ज्यादा इल्म नहीं था, जब मैंने बताया जी ये नीट की वेबसाइट पर लिखा है ये मैंडेटरी है सिख बच्चों के लिए, उसको अलाउ किया जाएगा, तो नेक्स्ट डे उन्होंने खुद मुझे कॉल करके बुलाया, कह लगे आ जाइए, एसएचओ को बुला लिया, उन्हें इमीडिएट उसको कहा इमीडिएटली एफआईआर लॉन्च करो। तो ये 142 एफआईआर एसएचओ पुलिस स्टेशन सतवारी में लॉन्च की गई। और मैं उन एसएसओ को ये कहूंगा कि सिर्फ एफआईआर लॉन्च करना ही सोल्यूशन नहीं है, इसकी बराबर तहकीकात हो। आईओ भी रिक्रूट किया गया, आईओ हरजिंदर सिंह सब इंस्पेक्टर गाड़ीगढ़ पुलिस पोस्ट का, बड़ा काबिल अफसर है, छोटी सी उम्र में बड़ा अच्छे काम उसने किए, उसको इसकी आईओ बनाया गया। और मैं एसपी साहब भी कहूंगा आप मॉनिटर करते रहिए कि इन्वेस्टिगेशन अकाउंटेबिलिटी जरूर फिक्स करें, क्योंकि ये बार बार चीजें हमारे साथ दुराई जा रही है। और मैं अपने लोगों से भी आप अपील करूं कि मैं अपने सिख बच्चों को यह कहना चाहता हूं कि उनको कहीं ये ना लगे कि अगर आपकी ह्यूमिलेशन हुई है, हम फील करते हैं कि ऐसी ह्यूमिलेशन नहीं होनी चाहिए, अगर हम आप बोलेंगे नहीं, हमारे बच्चे आने वाले दिनों में कड़ा पहनने से इनकार कर देंगे, हमारे वाले बच्चे हम पान नहीं करेंगे, क्योंकि वो महसूस करेंगे कि अगर हम एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं 500 बच्चों को अंदर जाने दिया जाता है, हमें हमारे रिलीजियस बेस पे, हमारे आर्टिकल ऑफ सिक्स बेस पे, इस बेस पे ह्यूमिलेट करने के लिए सेल पर निकाल दिया जाता है, तो ये ह्यूमिलेशन बच्चे बर्दाश्त नहीं करते। मैं बच्चों को आश्वासन देता हूं कि सिख प्राइवेट सिफ्रा और डिस्ट्रिक्ट द्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर्स हमारे यहां पर हमेशा ही बच्चों के साथ खड़े हैं, शाना बिशाना खड़े हैं। इस किस्म की ये हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी कि आज हमारे इस आजाद हिंदुस्तान में हमारे ऊपर ऐसी ज्यादतियां की जाए, तो यह बर्दाश्त अगले बर्दाश्त नहीं है। तो उसके लिए मैं अपने लोगों को भी, खासकर उन परिवारों को यह कहना चाहता हूं जिनके बच्चों के ककार उतारे गए, कड़ा उतारा गया, कृपान उतारी गई, लेकिन वो कहीं ना कहीं आगे नहीं आते, वो कहीं ना कहीं हेसिटेशन फील करते हैं। मैं लोगों से कहूंगा अगर ऐसी गुस्ताखियां करते रहोगे, आने वाले दिनों में बच्चे ककार उतार देंगे,
तो उसके गुनाहगार आप भी हो। आने वाली जनरेशन हमें कभी माफ नहीं करेगी कि अगर आज हम उनको डिफेंड नहीं करेंगे। हमारे दुष्यंत जी का, दुष्यंत कुमार जी का बड़ा अजीब शहर है, कहते असूलों पर अगर आना चाहे तो टकराना जरूरी है, असूलों पर अगर आना चाहे तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो अगर तो जिंदा नजर आना जरूरी है। मैं समझता हूं अर्थ की जो कुर्ती जिसे कहते हैं अर्थ और कैरत की जो कुर्ती हमारे छोटे साहबों ने 7 साल 9 सालों में हमें दी थी, आज हम उसे कहीं दूर चले जा रहे हैं। आज हम छोटे छोटे अपने इंटरेस्ट के लिए इन चीजों को बुलाने की कोशिश करते हैं। मैं लोगों से कहूंगा, अपनी सरकार से कहूंगा, ऐसे इन चीजों को लाइटली मत लीजिए, नहीं तो आने वाले दिनों में, आने वाले समय में ये चीजें और भयानक हो सकती है। कड़े उतारे हैं, कृपाण उतारिए, नहीं बोलोगे ये आपकी दस्तार भी उतारेंगे। सुहागर एक टाइम था जब गुरु नानक साहब ने जिन्हों को धारण नहीं किया था, लेकिन जब नौवे पाशाह के समय में कश्मीर से जो कृपा राव जी आए उनका चुनाव जबरदस्ती उतारने की कोशिश की गई, तो उस वक्त भी सिख कौम के सोटी साहब जो हमारे तेग बहादुर साहब आगे आगे शहादत थी, उनका ये नहीं कि हम अगर चुनाव नहीं करते लेकिन किसी का चुनाव जबरदस्ती उतरने भी नहीं देंगे। तो आज अगर आप दूसरों की जो रिलीजियस सिंबल्स उनकी डिफेंड करते रहे, जब अपनी बारी आई तो हम किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मैं सरकार से भी कह दूं कि इन चीजों को सीरियसली लाइट नहीं लगे, ये चीजें कभी भी फ्लेयर अप हो सकती है, कभी भी आग लग सकती है, क्योंकि काबिले बर्दाश्त अपनी नहीं रहा बार बार हर सेंटर में ऐसा होना। और मैं एसपी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो सीरियसली इस इशू को टेकआउट करे और जो दोषी है उनको अकाउंटेबिलिटी फिक्स करे और जो ला के तहत जो कानूनी कार्रवाई तो बनती है उसके ऊपर ली जाए। मैं अब और अब ये जो अफेयर लगी है ये रिलीजियस सेंटीमेंट्स हर्ट करने के ऊपर आर्टिकल 295A के तहत लगी है, तो मैं समझता हूं सब इस चीज का संज्ञान लेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को देखे। तो ये चीजें जहां मैं सरकार को कहता हूं और अपने लोगों को एक बार मैं फिर कहना चाहूंगा, कहते हैं गलत का विरोध खुलकर कीजिए, गलत का विरोध खुलकर कीजिए। इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। सो मैं आने वाला समय हमारी जनरेशन में माफ नहीं करेगी अगर आज हम उनके साथ खड़े नहीं होंगे। तो मैं हमारे सखी साहब 2 मिनट के लिए यदि जरूर कहूंगा अपनी सदन को संबोधित करें। सभा सूची से जैसे सरदार बलविंदर सिंह जो सिख सब फ्रंट के प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, सभी ने मिलकर जो ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसकी उन्होंने आपको डिटेल से बात की है, जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन को हम वार्म करते हैं क्योंकि बार बार ये देख रहे हैं अपने बच्चों के साथ रिलेशन बच्चे बिलीव कर रहे हैं और बार बार ये उनको पता भी है इस बात की जो ये एग्जाम पर अटेम्प्ट कर रहे हैं उनको पता मालूम नहीं है, उनको सब कुछ होने के बावजूद शायद किसी के इशारे में ये गलत काम हो रहे हैं। तो हम गवर्नमेंट को बॉम्ब करते थे आगे से इससे पहले भी हुए हैं, जो FIR एक लगी है, इसके अलावा भी अगर और किसी बच्चों के साथ कोई ऐसा होता है तो जैसे हमारे भाई साहब ने अपील की है अपने फैमिली अपने पेरेंट्स को, उनको जरूर कहेंगे कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, जो हमारा अधिकार है हमारे सिंबल है जो गुरु नानक साहब गुरु गोबिंद सिंह ने हमें दिए हैं उनको पहनने का हमें पूरा अधिकार है और पहनते भी हैं पहनते भी रहेंगे। लेकिन किसी भी एग्जाम में ऐसा हमारे साथ आगे भी होता है तो हम पेरेंट्स को जरूर अपील करेंगे कि आप वॉलंटियर के लिए सामने आइए, अपने जो आपके ग्रीवेंसेस है डिस्ट्रिक्ट कमेटी हमारे प्रोग्रेसिव फ्रंट है प्रोग्रेसिव फ्रंट है हमारे बाकी जितने भी बैठे किसी के सामने भी आप अपनी फरियाद रखें, आप जरूर आपकी आवाज हुकूमत तक पहुंचाएंगे। और ये हमें आश्वासन जो एसपी साहब ने दिया है और वीर बलविंदर सिंह ने फिर उनको रिक्वेस्ट किया है कि ये छोटा मोटा केस नहीं है, ये किसी के मजहब के ऊपर किसी के धर्म के ऊपर एक बराबर अटैक है, किसी को जबरदस्ती किसी का जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि गुरु नानक साहब जनेऊ नहीं डाला है, लेकिन गुरु तेग बहादुर साहब ने जब जनेऊ की बारी आती है तो उन्होंने अपना बलिदान दिया है कि इंसानियत ऐसा है, इंसानियत में हर एक इंसान को अपने धर्म का सरकार अपने धर्म पे चलने की आजादी है और हर एक इंसान को जब अपने धर्म पे भरोसा हो उनको दूसरे के धर्म का भी सत्कार करना चाहिए। तो हम एक बार फिर जैसे आपका धन्यवाद करेंगे लेकिन अपनी जो सिख कम्युनिटी है उसको अपील करेंगे प्लीज सामने आइए इन्फॉर्म करिए, किसी के साथ भी ऐसा हादसा होते हैं एग्जाम हो रहे हैं अभी भी होने हैं किसी के साथ भी ऐसा हो तो प्लीज आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। थैंक्स। बलविंदर सिंह जी